सतना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला। जिले में करीब 287 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा चिकित्सा महाविद्यालय, सह चिकित्सा, विभिन्न नलजल योजनाओं का भी सीएम ने किया भूमि पूजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खरगोन जिले के दो दिवसीय दौरे पर लिया कई कार्यक्रमों में हिस्सा। रेडक्रॉस, रोटरी क्लब, लायंस क्लब और अन्य सामाजिक संस्थाओं से टीबी ग्रस्त बच्चों को गोद लेने का किया आह्वान। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से की चर्चा। प्रसिद्ध गीतकार एवं कवि गोपाल दास नीरज का 93 वर्ष की उम्र में गुरुवार को हुआ निधन। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित गीतकार थे स्वर्गीय नीरज। मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और नेताओं ने नीरज के निधन पर जताया गहरा शोक। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम निर्वाचन के लिए तैयारियां की तेज। मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट के दूसरे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में अनुमोदित मतदान केंद्रों का ERNS में 21 जुलाई को होगा युक्तियुक्तकरण, 23 जुलाई को होगा फोटो निर्वाचक नामावली का एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के हितग्राहियों से किया संवाद। कहा सरकार ने पिछले 4 सालों में पहुंचाई 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली। हितग्राहियों ने पीएम से साझा किए अपने जीवन में आए बदलाव के अनुभव। राजधानी में दिल्ली के ब्लिस फाउंडेशन के तत्वावधान में कैंसर जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित। कई विशेषज्ञों द्वारा की गई कैंसर मरीजों की काउंसलिंग, कैंसर के लक्षण एवं बचाव के उपायों पर भी की गई चर्चा। संसद में गुरुवार को दो अहम विधेयक हुए पारित। बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भाग जाने वाले आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक हुआ पास। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर आए भोपाल। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रदेश पदाधिकारियों से की चर्चा। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति को लेकर किया गया विचार विमर्श। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर जिले में हरसी उच्च स्तरीय बाईपास सिंचाई नहर के निर्माण का किया शिलान्यास। लगभग 80 करोड़ की परियोजना से कुल 42,245 हेक्टेयर में हो सकेगी सिंचाई संभव। प्रदेश में जोरदार बारिश का दौर जारी। सागर और रायसेन जिले में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश। जिले की नदियां उफान पर आने से जनजीवन प्रभावित। जिलों का विभिन्न स्थानों से सड़क संपर्क हुआ बाधित। अगले माह से रेलवे टिकट कैंसिल करने के बाद रिफंड के लिए नहीं करना होगा 7 से 10 दिन का इंतजार। अब 48 घंटे के भीतर आएंगे पैसे वापस। IRCTC की नई वेबसाइट मील्स के जरिए यात्री पा सकेंगे अपनी सीट पर ही भोजन। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कराया जाएगा स्वच्छता सर्वेक्षण। प्रदेश में 1 अगस्त से होगी स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 की शुरुआत। ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने सर्वेक्षण में भागीदारी के लिए की पंचायत के जनप्रतिनिधियों से अपील। जबलपुर में कमजोर वर्ग की सुरक्षा के विशेष विषय में विचार विमर्श करने एक दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। संगोष्ठी में जोन के IG सहित संभाग के सभी जिलों के निरीक्षक, उप निरीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। भोपाल मेमोरियल अस्पताल में अगले हफ्ते से मरीजों को मिलेगी BMHRC में MRI की सुविधा। 24 घंटे के भीतर मरीजों को प्राप्त होगी MRI स्कैन की रिपोर्ट। नया सॉफ्टवेयर किया जा रहा है इंस्टॉल। राजधानी स्थित रविंद्र भवन में आज शाम उल्से यूसुफ पुस्तक का विमोचन समारोह और शाम में गजल का होगा आयोजन। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी और बुखारी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हो रहे कार्यक्रम में कई गजलकार देंगे अपनी प्रस्तुति।